गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब भाई। वेलकम यू ऑल अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, टीम अर्पित की तरफ से। तो फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ लाइव, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए क्लास को। सारे जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स, जहाँ भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड है, वहाँ पर शेयर कर दो कि ये क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और एक बार मुझे क्लियर का मैसेज भी टाइप करेंगे सारे बच्चे कि वॉइस बिल्कुल क्लियर है आपको, मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है और साथ ही आप मुझे देख भी पा रहे हो, स्क्रीन आपको विजिबल है। इसके लिए क्लियर का मैसेज टाइप कर दो और जय हिंद कर दो एक बार सारे बच्चे पूरे जोश में, ठीक है। एक बार जय हिंद स्पैम कर दो सारे बच्चे। यस सैम, सौरभ जय हिंद बेटा, अथर्व जय हिंद, यस थैंक यू सो मच अथर्व। नहीं आज कोई टेस्ट नहीं है बच्चे, आज कोई टेस्ट नहीं है। आज हम सिनोनिम डे 9 की जो हमारी PDF है उसको करने वाले, ठीक है। थैंक यू सो मच अभिषेक एस, सुबह सुबह टारगेट रखने के लिए। आ जाओ सारे बच्चे, आ जाओ फटाफट से लाइव में, वेट कर रहा हूँ आपका ताकि इम्पोर्टेंट क्लास जो है आपकी स्टार्ट की जा सके। आप सभी ने एक डिमांड करी थी कि सर एक बार पहले सारे सिनोनिमी करा दीजिए, उसके बाद फिर आगे कोई अगला टॉपिक कराना। तो हम डे 9 स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना। जोश ओपी होना चाहिए सारे बच्चों का, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हाँ एक या दो वर्ड्स ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो फटाफट से आ जाओ सारे बच्चे लाइव, ऐसे आई एम वेटिंग फॉर यू, जल्दी जल्दी जल्दी। और अगर कोई बच्चा चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर देना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अनअकैडमी की इन्फॉर्मेशन के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको कंफर्ट देता है कि आप अपने घर पर बैठकर आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। अनअकैडमी में जो लेटेस्ट बैच चल रहा है बच्चे, संकल्प बैच है, आप सभी जानते हैं संकल्प बैच, जिसमें 6 टीचर की टीम जो है वो आपको पढ़ा रही है लगातार। डेली क्लासेज जो है ली जाती हैं, बहुत सारी स्पेशल फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करती है। लेकिन ये जो संकल्प बैच है बच्चे, पेड कोर्स है, इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। 6 मंथ्स की ड्यूरेशन वाला ये कोर्स, जिसकी कॉस्ट है हमारे पास ₹6400, ठीक है। और इस 6400 पर आपको मिल सकता है 10% का डिस्काउंट अगर आप यूज़ करें हमारा रेफरल कोड टीम अर्पित। एक नया कोर्स भी आने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। सो स्टूडेंट, साथ ही हम बात कर लेते हैं इस क्लास के बारे में। तो जो ये क्लास हमारी चल रही है, ये योद्धा बैच, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आई रिक्वेस्ट अगेन कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दे। और एक बार लाइक कर दो यार सारे बच्चे, क्लास को लाइक शेयर कर दो एक बार ताकि सारे बच्चे लाइव आ जाएं, ठीक है। लाइक भी कर दो एक बार, शेयर भी कर दो। 550 प्लस का हमारे पास आज टारगेट है जो अचीव हमने करना है। इस टाइम पर 180 प्लस बच्चे लाइव है, लेकिन लाइक सिर्फ 100 है, तो इस हिसाब से तो मुश्किल लग रहा है, पर फिर भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सर टाइम टेबल बता दो। टाइम टेबल तो बहुत ईजी है बच्चे, हमारा टाइम टेबल बहुत ईजी है। सुबह 8 AM to 9 AM आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है। 9:10 to 10:05 के लगभग आपकी केमिस्ट्री की क्लास होती है। 10:10 से आगे फिर 11 तक आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, उसके बाद सनी सर क्लास लेते हैं और शाम को आपकी क्लास लगती है अर्पित सर की मैथ की। तो ये हमारा टाइम टेबल और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें गिवन वर्ड है मेरे पास वीहीमेंटली। द ओपोजिशन पार्टी वीहीमेंटली सपोर्टेड अन्ना हजारेस मूवमेंट। सो वीहीमेंटली गिवन वर्ड है हमारे पास। क्या आप जानते हैं वीहीमेंटली क्या होता है और इसको का सिरोनिम ऑप्ट करने के लिए 4 ऑप्शंस है हमारे पास, पैशनेटली, ओपनली, सीक्रेटली और फाइनेंशियली, ठीक है। अभी पैशनेटली क्या होता है, पैशनेटली होता है पूरे जोश में। ओपनली क्या होता है हमारे पास, खुलकर, ठीक है। सीक्रेटली क्या होता है, छुपकर। और फाइनेंशियली क्या होता है, पैसों से, ठीक है। फाइनेंशियली क्या होता है, आर्थिक रूप से बोलते हैं। वैसे मैंने कुछ ज्यादा इजी लिख दिया इसका कि इसका मीनिंग होता है पैसों से। तो फर्स्ट का तरुण गुप्ता ने मेरे पास आंसर भेजा है बी, जबकि अंकित राव का कहना है सी, ठीक है जी। चलिए हाँ यस, ऋतिक राठौर आपने सही कहा कि मैंने आपको बोला जरूर था कि हम लोग टेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई है। मैं आपको कमेंट तक दिखा सकता हूँ जिन्होंने कहा कि सर एक बार पहले ये सिलेबस पूरा कर दो, उसके बाद फिर नया
टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लगातार बी और सी और ए मेरे पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बच्चे? वीहीमेंटली का करेक्ट आंसर है हमारे पास ए। ठीक है, क्या होता है वीहीमेंटली? पूरे जोश में। वीहीमेंटली का मतलब क्या होता है? पूरे जोश में। तो हम और इसको कैसे समझ सकते हैं, कौन कौन से सिनोनिम होते हैं हमारे पास इसके वीहीमेंट के, यानी कि जोश से? आप बच्चे इसको एम्फेटिकली बोल सकते हो, आप इसको फर्वेंट बोल सकते हो, फर्वेंट, आप इसको वॉयलेंट बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको पोटेंट बोल सकते हो, आप इसको इम्पैशन्ड बोल सकते हो, पैशनेटली तो हो ही गया, इम्पैशन्ड आप समझोगे वहां से। इम्पैशन्ड के साथ बच्चे आप इसको बोल सकते हो फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली मतलब जबरदस्ती भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको बोल सकते हो एंथुसियास्टिक, मतलब जोरदार जो होता है ना, जोरदार, वो जोरदार है इसका मीनिंग। वीहीमेंटली का मतलब होता है जोरदार, उसने समर्थन किया इसका। और आप इसको बोल सकते हो अर्डेंट, जोरदार समर्थन, अर्डेंट। और इसके एंटोनिम हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं एक बार नोट करिएगा सारे बच्चे। आप इसको बच्चे अपैथेटिक बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको काम बोल सकते हो, काम जो पैशन में है ही नहीं, कूल बोल सकते हो, डिसपैशनेट बोल सकते हो, डिसपैशनेट, डिसपैशनेट के साथ बच्चे आप इसको इंपोर्टेंट बोल सकते हो, इंपोर्टेंट। इन सब का मतलब होता है शांत, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो बच्चे मीक, आप इसको बोल सकते हो अनएक्साइटेड, अनइफेक्टिव, आप इसको बोल सकते हो मॉडरेट। मॉडरेट कौन होता है? जो शांति बनाए रखता है, ठीक है, मॉडरेट मतलब शांत। एक और लिख लें, जेंटल लिख सकते हो, जेंटल। तो वीहीमेंट और वीहीमेंटली का क्या मीनिंग हुआ, समझ में आया? वीहीमेंट का मतलब होता है जोश में, वीहीमेंटली मतलब पूरे सपोर्ट आई, कैसी आई, बिल्कुल खुलकर सपोर्ट आई है उसकी। सो एम्फेटिकली, फर्वेंट, वॉयलेंट, पोटेंट, इम्पैशन्ड और फोर्सफुली, एंथुसियास्टिक, ये इसके कुछ सिनोनिम हुए। और उधर इसके एंटोनिम है, आई होप सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। तो एक बार नेक्स्ट टाइप कर दो, ठीक है, डे ड्रीमिंग बंद कर दो। कौन कर रहा है डे ड्रीमिंग? ठीक है जी, चलिए, आज खड़कवासला पासिंग आउट परेड है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आप कर दीजिए क्लास को लाइक, वहां तक तो जाना है ना बच्चे आपने भी, चलो क्लास को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो एक बार सारे बच्चे। जो टारगेट आपने रखा है 550 का, उसको अचीव भी करना है। अब देखो क्या कह रहा है ये, विशिष्टूड्स बोल रहा है, विशिष्टूड्स, ध्यान से पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट सब्जेक्ट टू द विशिष्टूड्स ऑफ द फाइनेंस मार्केट, ठीक है। अब विशिष्टूड्स क्या होता है, और फोर ऑप्शन मुझे क्या कह रहा है, चेंजिंग पैटर्न्स, इंटरेस्ट रेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होते हैं? छुपा हुआ फायदा, छुपा फायदा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश, पैसा लगाना। इंटरेस्ट रेट्स क्या होती है? ब्याज की दर, ब्याज की दरें भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। चेंजिंग पैटर्न्स क्या होते हैं? फेरबदल। और गिवन वर्ड क्या है मेरे पास? विशिष्टूड्स। तो कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है कि सर विशिष्टूड्स, अच्छा ये तो हम जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। सेकंड का ए भेजा है मेरे पास कुरैशी ने, अनमोल यादव ने, सुजैंग लेपचा। सुजैंग कैसे हो बच्चे आप? वेरी गुड भाई। सुजैंग लेपचा एक ऐसा बच्चा है जिससे मैं डायरेक्ट मिल चुका हूँ अर्पित सर की ऑफलाइन टीचिंग के दौरान, बहुत अच्छा बच्चा है ये, ठीक है। और आई थिंक ये जहाँ तक मुझे याद जा रहा है शायद दार्जिलिंग की तरफ से ये बिलोंग करता है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच प्रीतम। सुजैंग मुझे कमेंट जरूर भेजना बेटा, कैसे हो आप, ठीक है। चलिए, सो विशिष्टूड्स हमारे पास क्या होता है बच्चे? उलटफेर। क्या बोलते हैं हम इसको? उलटफेर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए।
अब सिनोनिम्स हम कौन कौन से इसके ऑप्ट कर सकते हैं, जरा सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। विसिट्यूड्स के बच्चे पहला तो होगा चेंज, और नेक्स्ट इसका सिनोनिम आप कह सकते हो अल्टरेशन। अल्टरेशन के साथ बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जितने भी बदलाव से रिलेटेड वर्ड है वो सारे आप बोल सकते हो। आप इसको बोल सकते हो मेटामोरफोसिस, कितना इजी वर्ड है ना मेटामोरफोसिस, किसको बोलते हैं बदलाव को, चेंज अगर आए लाइफ में आए या कहीं भी आए। आप इसको बोल सकते हो म्यूटेशन, ठीक है, अगर कहीं से किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको म्यूटेशन कर म्यूटेट कराना पड़ता है, म्यूटेशन मतलब चेंज कराना पड़ता है। आप इसको मॉडिफिकेशन बोल सकते हो, मॉडिफिकेशन भी एक तरह का चेंज होता है। नोट करते रहना बच्चों सारे, जहां आपने इतनी मेहनत करी है लगातार तो दो चार दिन और सही, ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। कोई भी इंपोर्टेड वो कैब ऐसी नहीं है जो इस बार हम छोड़ के चल रहे हैं। सो आप इसको बोल सकते हो बच्चे स्विच करना, स्विच भी चेंज होता है। टर्न बोल सकते हो, टर्न के साथ आप डेवलपमेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ आप इसको बोल सकते हो शिफ्ट, शिफ्ट भी एक तरह का चेंज होता है। बहुत हो गया ना, चलिए एक और लिख लो फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन भी बदलाव होता है। और ये सारे के सारे किसके सिनोनिम है, विसिट्यूड्स। विसिट्यूड्स क्या होता है, चेंज एक तरह का। और ये मैं क्या देख रहा हूं, बच्चा लाइव है 300 प्लस और लाइक है मेरे पास सिर्फ 200, ये ना इंसाफी क्यों, ये लाइक मुझे दे दे ठाकुर जल्दी से। तो बात करते हैं एंटोनिम्स की, चेंज नहीं होगा तो बच्चे सिमिलर रहेगा वो, तो सिमिलैरिटी हो गया, ठीक है, सेम हो गया, और यूनिफॉर्मिटी हो गया, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। राइटिंग समझ में आ रही है सबको, नहीं समझ आए तो बता देना मुझे, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी के साथ बच्चे आप इसको बोल सकते हो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के साथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन भी हम किसको बोलते हैं, जब कोई चीज बदले ना, स्थिर रहे अपनी जगह पर रहे। आप इसको फर्मनेस बोल सकते हो, फर्मनेस मतलब दृढ़ता, दृढ़ जो चीज है वो अपनी जगह पर टिकी रहेगी। सॉलिडिटी बोल सकते हो, स्टाउटनेस बोल सकते हो, स्टाउटनेस मतलब चीज अपनी जगह टिकी हुई है, स्टाउटनेस मजबूती के साथ। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी के साथ आप इसको बोल सकते हो कंस्टेंसी। और एक लास्ट वर्ड और लिख लो परमानेंस, ठीक है, बिना गुस्सा करे एक वर्ड और लिखना आपने, वो आपके पास है परमानेंस, ठीक है। राइटिंग की तारीफ सारे बाद में करेंगे, अभी मुझे कोई तारीफ आपकी तरफ से नहीं चाहिए। सुजैन का कमेंट आया था, आ गया आ गया आ गया, आई एम ऑल्सो डूइंग वेल, आई एम फाइन सुजैन। चलिए चलिए चलो छोड़ो यार, आपस में बहस ना किया करो, ये कुछ मैं तो ध्यान भी दे रहा किसी की तरफ, आप भी प्लीज अपना माइंड बिल्कुल ठीक रखे, बढ़िया रखे, शांत रखे, और मुझे सिर्फ इतना बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने का टाइम हो गया या नहीं हो गया, ठीक है जी। राजपाल से मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजपाल एक बच्चा है, आप सभी भी ध्यान से सुनना, हम टीम अर्पित है, टीम अर्पित के टीचर है, आप सभी हमारे स्टूडेंट हो बच्चे। जितने भी टीचर और जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, लाइव पढ़ते हैं, बहुत दूर होते हैं, लेकिन इस तरह की बात कोई नहीं करता जिस तरह की बात आप कर रहे हो। अगर किसी को टीचिंग पसंद नहीं आती ना, कई बार होता है कि पर्टिकुलर कोई टीचर हो सकता है, यार मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी टीचिंग किसी बच्चे को पसंद नहीं आ रही, पर वो तमीज़ से बात करेगा, वो फिर भी कहेगा कि सर आप उस टीचर को फॉलो कर लो, उससे सीख लो। मतलब इस तरह के ये कमेंट्स मत करो यार, इसका नंबर दे दो, उसका नंबर दे दो, प्लीज़, ठीक है। हम लोग बड़े तमीज से पढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, और गिवन वर्ड है आइडियोसिंक्रेटिक, और ये आइडियोसिंक्रेटिक वर्ड जो है बच्चे ये रिपीट है, ये आइडियोसिंक्रेटिक वर्ड जो है रिपीट है। तो मुझे आप बताओगे इसके बारे में कि आइडियोसिंक्रेटिक क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रीतम। चलिए चलो फटाफट से आंसर, क्योंकि ये रिपीट वर्ड है मेरे पास बच्चे, तो रिपीट वर्ड का आंसर तो आपको देना चाहिए। आइडियोसिंक्रेटिक
प्रॉपर वर्ड गिवन है, मैं भी बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन आंसर आपकी तरफ से चाहिए। तो थर्ड का कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देने वाला है मुझे, उसका मैं नाम भी अनाउंस करूंगा। यस बबलू सिंह, मैं देखता हूं अभी आप क्या पूछ रहे हो। कुरैशी की तरफ से आया है भाई थर्ड का ए। आकाश का कहना है थर्ड का सी है सर। संदीप महतो ने सी ऑप्ट किया है। प्रणय ने थर्ड का ए ऑप्ट किया है। निशांत नागर ने इसका बी ऑप्ट किया है। यूपीएससी एस्पिरेंट ने इसका सी ऑप्ट किया। ठीक है, इन सारे बच्चों ने अपने ये आंसर ऑप्ट करे। तो मैं बता दूं बच्चे, आइडियोसिंक्रेटिक क्या होता है? आइडियोसिंक्रेटिक होता है विशेष आदत, विशेष आदत। अभी और भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे इसके बारे में, पता क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों ने इसका आंसर रॉन्ग बताया। तो इसका करेक्ट आंसर तो बच्चे ए है, पर्सनल मैनरिज्म। ठीक है, पर्सनल मैनरिज्म इसका करेक्ट आंसर है। एक बार सारे बच्चे ध्यान करो, फिर मैं इसके आपको और सिनोनिम और एंटीनिम जो है मैं इसके जरूर लिखवाऊंगा आपको। ठीक है जी, एक बार लाइक शेयर भी कर दो सारे बच्चे क्लास को। यस प्लीज, ठीक है। तो बात कर लें इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, पर्सनल मैनरिज्म। ठीक है, बेलीग्रेंट बी नहीं हो सकता। बेलीग्रेंट मतलब होता है इन वॉर, जो लड़ाई में हो। यूनिक होता है जो सबसे अलग हो। अहेड और आइटम्स, ये तो वैसे ही सेंसलेस है, इसकी तो सेंस भी नहीं बन रही है कुछ। तो आइडियोसिंक्रेटिक के सिनोनिम नोट करो बच्चे, जिन बच्चों ने गलत बताए थे इसके सिनोनिम नोट कीजिए आप। आइडियोसिंक्रेटिक हमारे पास होता है बच्चे डिस्टिंक्टिव, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है, टिपिकल, आप इसको बोल सकते हो डिफरेंट। अब एक चीज और दिमाग में आ रही होगी कि सर अगर आपने डिफरेंट लिखा फिर यूनिक क्यों नहीं ऑप्ट किया। मैं आपको बताता हूं बच्चे, डिफरेंट और यूनिक में फर्क होता है। यूनिक जैसा कोई नहीं होता, जो चीज यूनिक हो उस जैसा कोई नहीं होता, और जो चीज डिफरेंट है हो सकता है वो मुझसे डिफरेंट हो लेकिन आपकी तरफ से वो सेम हो, इसलिए। ठीक है, सो डिफरेंट हो सकता है बच्चे। डिफरेंट के साथ आप इसको बोल सकते हो स्पेशल, आप इसको बोल सकते हो पर्सनल, आप इसको बोल सकते हो प्राइवेट, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो ऑड। और बात करें इसके एंटोनिम के बारे में, तो इसके एंटोनिम कौन कौन से हो सकते हैं बच्चे। इसका एंटोनिम हो सकता है नॉर्मल, यूजुअल, यूजुअल के साथ रूटीन, रूटीन भी बोल सकते हो आप इसको, और रेगुलर बोल सकते हो, रेगुलर, सैनिटी बोल सकते हो, समझदारी, बैलेंस्ड बोल सकते हो, बैलेंस्ड। ठीक है, करो जरा सारे बच्चे नोट करो इसको एक बार, और एक लाइक शेयर करते रहो सारे बच्चे क्लास को। ठीक है सर, कब खत्म होगा सिनोनिम बच्चे? डे 11 तक की पीडीएफ है मेरे पास। आप ये देखो कि अगर आपने डे 11 तक की पीडीएफ कर ली, ठीक है जी, अगर आपने डे 11 तक की पीडीएफ कर ली तो आपका जो वो कैब है वो कहाँ पहुंची, ध्यान से देखना। डे 11 मतलब 30 हम रोज कर रहे हैं, 330 तो ये हो गए। अब कम से कम लगाओ, अगर आप इसके डिफरेंट सिनोनिम, क्योंकि लिखवाता तो मैं 10 से 12 हूं, लेकिन अगर आपने हर एक वर्ड का आपको 5 भी मिलते हैं तो देखो आपकी वो कैब कहां गई, क्योंकि रिपीट भी होते हैं ना, इसलिए मैं ज्यादा नहीं ले रहा। आपकी वो कैब कहां गई आपने ये देखना। अभी एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि यार 15 मिनट हो गए सिर्फ दो क्वेश्चन, उसने ये नहीं देखा कि 15 मिनट हो गए दो क्वेश्चन करे उसमें कितने वर्ड्स थे, दो, तो उनके सिनोनिम हमने कितने करे, दो, ठीक है, दो दो चार वर्ड्स ये तैयार हो गए। अब उन चार वर्ड्स को आप 10 सिनोनिम से गुना कर लो, 10 एंटीनिम से गुना कर लो, कहां गई उसकी वो कैब। ठीक है, मैंने रिप्लाई नहीं किया था उस बच्चे को। और संडे को टेस्ट ले लो प्लीज सर। अरे मैं तो खुद तैयार हूं टेस्ट लेने के लिए, अगर आप एक बार आवाज करो कि सर टेस्ट लेना, मैं तो खुद तैयार हूं। रिजॉइंडर किसको बोलते हैं? रिजॉइंडर थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए मैं इसका आंसर बता देता हूं बच्चे। रिजॉइंडर हम किसको बोलते हैं? एक बच्चे ने आंसर भी भेजा है इसका। करेक्ट आंसर है इसका सी, अ लेटर एज रिप्लाई। जब हम किसी को उत्तर देते हैं किसी बात का तो उसको रिजॉइंडर बोलते हैं। वार्निंग लेटर नहीं कह सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं कह सकते। एक्सप्लेनेशन क्या होता है हमारे पास? जब हमें अपनी गलती के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन देनी पड़े उसको अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। अ लेटर डिस्क्राइब द टर्म एंड कंडीशंस, जिसमें नियम व शर्तें लिखे हों, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर मेरे पास क्या है बच्चे? इसका सी है। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। अब आप ये देखो
कि रिजॉइंडर के और कौन कौन से ऐसे सिनोनिम हो सकते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बच्चे रिजॉइंडर यानी कि लेटर एज रिप्लाई या किसी के उत्तर देने को आप रिब्यूटल बोल सकते हो, REBUTTAL रिब्यूटल आप इसको बोल सकते हो। बच्चे आप इसको बोल सकते हो रिपार्टी, रिपार्टी भी आप इसको बोल सकते हो। बच्चे आप इसको बोलते हो रिटॉर्ट, अगर आप किसी को आंसर दे रहे हो बात का तो आप उसको रिटॉर्ट बोल सकते हो। अगर आप किसी की बात का जवाब जो है वो लिखित में दे रहे हो तो आप उसको कॉम्फ्यूटेशन भी बोल सकते हो कि कॉम्फ्यूटेशन आया, इसका मतलब लेटर एज रिप्लाई आया आपके पास या आपने भेजा है, ठीक है। आप बच्चे इसको काउंटर एग्रीमेंट बोल सकते, काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो अगर आपने किसी की बात का जवाब दिया लेकिन वो जवाब कैसा दिया आपने, मुंह से दिया, बोल कर दिया, ठीक है। आप इसको काउंटर क्लेम बोल सकते हो, रिजॉइंडर को काउंटर क्लेम बोल सकते हो। बच्चे आप इसको डिफेंस बोल सकते हो, डिफेंस, ठीक है। डिफेंस के साथ बच्चे आप इसको बोल सकते हो रिस्पॉन्स, कि किसी का लेटर आया आपने उसको रिस्पॉन्स दिया उसकी बात का। आप इसको बच्चे काउंटर स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, काउंटर स्टेटमेंट। तो ये तो हुआ हमारे पास रिजॉइंडर के सिनोनिम, कि अगर आप किसी की बात का जवाब लिखित देते हो या मौखिक देते हो, बोल कर देते हो, और अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो बच्चे ये तो रिप्लाई है, क्या है ये, लेटर एज रिप्लाई। तो रिप्लाई का फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, क्वेश्चन का ही रिप्लाई होता है, रिक्वेस्ट का रिप्लाई होता है, बोलो फटाफट, इंक्वायरी का रिप्लाई होता है, ठीक है, क्वेरी का रिप्लाई होता है, ठीक है, क्वेरी के साथ बच्चे पिटीशन का रिप्लाई होता है, ठीक है, सोलिसिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है, प्रेयर का रिप्लाई होता है, प्रार्थना अगर करी है, इंटेरोगेशन कर रहे हो तो उसका रिप्लाई होता है कि नहीं होता, इंटेरोगेशन, पूछताछ का रिप्लाई होता है, बहुत है ना, एक सप्लीकेशन लिख लो, SUPPLICATION, ठीक है। अगर राइटिंग ना समझ आ रही हो बच्चे बता देना, मैं थोड़ी सी स्पीड कम कर लूंगा, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्लियर। सर इसकी PDF किस टेलीग्राम, ओ मैंने कल की PDF भी नहीं भेजी, ठीक है, वेट करना, भेजूंगा जरूर, वेट करना, भेजूंगा जरूर, लास्ट में भेजते हैं बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास, हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक हम टेंस पढ़ेंगे सबसे पहले, टेंस के बाद हम, टेंस के ऊपर 2 दिन लगाने पड़ेंगे बच्चे आपको, ठीक है, और टेंस 2 दिन तक टेंस करने के बाद उसके बाद आपको 1 से 2 दिन आर्टिकल पर लगाना है, और 10 से 12 दिन प्रेपोजिशन पर लगाने हैं, नहीं 10-12 तो नहीं, कम लगाऊंगा प्रेपोजिशन पे, उसके बाद हम स्पोर्टिंग एरर करेंगे अपने, फिर एरर स्पोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। आज की लाइव का टारगेट 599 है, जल्दी जल्दी पूरा करो, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। पर अभी 296 पर है हम, अभी दिल्ली दूर है मेरे दोस्त। मैवरिक हम किसको बोलते हैं, मैवरिक, ध्यान से देखना, इसमें तो इसका आंसर है ही है मैवरिक का, लेकिन मैवरिक के और बहुत सारे इंपोर्टेंट हमारे पास सिनोनिम जो है वो होते हैं, ठीक है। तो मैवरिक के लिए अनमोल यादव का कहना है सर बी आंसर है इसका, और बाकी बच्चे भी भेजो ना बेटा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा। रितिक राठौर गुर्जर ने इसका सी भेजा है, कुरैशी ने बी भेजा है, और कोई बच्चा नहीं कर रहा क्या रिप्लाई, फिर कहोगे कि तरुण गुप्ता, देखो माधव सीकरी, ठीक है, तरुण गुप्ता ने सी भेजा है, माधव ने मेरे पास बी भेजा है, तो अब ठीक है, अब हम PYQ से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं बच्चे। एक बच्चा कह रहा सर अभी तक PYQ चल रहा है, नहीं, अब PYQ के साथ आपको मिक्स भी मिल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। सो मैवरिक क्या होता है बच्चे, यहां वहां भटकने वाला, घूमने वाला आप इसको बोल सकते हो। वैसे मैवरिक की बच्चे प्रॉपर हिंदी जो है वो मेरे पास अवारा होती है, लेकिन क्योंकि यहां सेंट लिखा है, साधु लिखा है, इसलिए मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। आप इसको बोल सकते हो घूमने वाला, जिसका मतलब कोई परमानेंट ठिकाना ना हो, तो करेक्ट आंसर तो है इसका बच्चे बी, ठीक है। ग्रेट नहीं कह सकते आप इसको, गोडली नहीं कह सकते, डेड नहीं कह सकते, डेड तो कैसे आशीर्वाद देगा, ठीक है। तो फिर बात करते हैं कि मैवरिक के और कौन कौन से मेरे पास सिनोनिम हो सकते हैं। मैवरिक का मतलब होता है यहां वहां घूमने वाला, तो बच्चा आप इसको स्ट्रॉलर बोल सकते हो, स्ट्रॉलर, स्ट्रॉलर क्या होता है, वो धीरे धीरे चलता है, यहां वहां घूमता रहता है। ट्रैम्प बोल सकते हो, ट्रैम्प, इधर उधर भटकने वाले को होबो बोल सकते हो। ड्रिफ्टर बोल सकते हो, ड्रिफ्टर, ठीक है। आप वैगाबोंड बोल सकते हो, वैगाबोंड,
ठीक है। वैगाबोंड के साथ बच्चे आप इसको बोल सकते हो कॉम्पर। कौन है, कौन है ये लोग सारे जो इधर उधर भटकते रहते हैं, यहां वहां घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, टूरिस्ट, ठीक है। और आप इसको कह सकते हो सनडाउनर, ठीक है। और आप इसको कह सकते हो एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो बोहेमियन, बस और नहीं लिखवाऊंगा, जो यहां वहां भटके उसके लिए है ये। तो एक व्यक्ति जो है वो इधर उधर भटकता है, तो एक है जो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, टिक कर रहता है, ठीक है। आप उसको कंजर्वेटिव बोल सकते हो, कंजर्वेटिव। आप उसको बच्चे मॉडरेट बोल सकते हो, अगर वो टिक कर रहता है तो आप उसको स्टेबल बोल सकते हो, फेबियोलेट बोल सकते हो जो एक जगह पर टिक कर रहे, और फेबियोलेट के साथ आप इसको बोल सकते हैं क्वाइट, क्वाइट के साथ आप इसको बोल सकते हो कंट्रोल्ड और कन्वेंशनल। क्लियर है सारे बच्चों को, नोट कर रहे हो कि नहीं, ठीक है जी। चलिए, यस प्लीज, आप सारे अपने नोट्स तो तैयार रखो, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं नोट्स। मैं चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक शेयर करते रहो सारे बच्चे क्लास को। मेलिफेरस हम किसको बोल सकते हैं, मेलिफेरस सॉन्ग हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो सैड सॉन्ग, मेलेडियस सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग या हाई पिच सॉन्ग। एक चीज और, जो लास्ट टू लास्ट टाइम मैंने पीडीएफ कराई थी वहां यहां पर स्वीट लिखा हुआ था, स्वीट, ठीक है। तो अगर यहां पर सैड की जगह स्वीट भी होता तो भी आपने क्या ऑप्ट करना था। यस प्रतीक कुमार, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज प्रतीक कुमार। सर इतने सारे याद कैसे करेंगे, मैं कराऊंगा याद, मैं कराऊंगा बच्चे, मैं कराऊंगा जब टेस्ट लेने की बारी आएगी। अब देखो कह रहे कि सर कल संडे है, कल टेस्ट ले लो। बच्चे कह रहे सर सुन लो, कल संडे है, कल टेस्ट ले लो। तो टेस्ट में आप डिसाइड करोगे ना। देखो डे वन डे टू का टेस्ट हम ले चुके थे, डे थ्री डे फोर का टेस्ट हम ले चुके हैं। कल कह दो डे फाइव डे सिक्स प्रिपेयर करके आओगे, मैं टेस्ट ले लूंगा, बोलो फटाफट जल्दी से। कल कह दो डे फाइव डे सिक्स करके आओगे तो मैं टेस्ट ले लूंगा, हाँ या ना बता देना सारे बच्चे, ठीक है जी। अगस्त्य बैच प्लस, अगस्त्य बैच प्लस, ठीक है। चलो करते हैं बात उसके बारे में, आप मुझे इसके बारे में जरूर बताना डे फाइव डे सिक्स के बारे में। फिलहाल करेक्ट आंसर है इसका बी, सॉन्ग कैसा होता है बच्चे, मेलोडियस होता है। मेलोडियस क्या होता है, मधुर। मेलोडियस क्या होता है बच्चे, मधुर, मेलोडियस, मेलोडियस होता है मधुर, ठीक है। रोमांटिक हाई पिच, हाई पिच हम किसको बोलते हैं, जिसमें धमक बहुत ज्यादा हो, जिसकी बास बहुत तेज हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है मेलोडियस, मेलिफेरस। हम इसको और क्या क्या बोल सकते हैं, जरा ध्यान देना सारे बच्चे, और हम इसको क्या क्या बोल सकते हैं। तो मेलिफेरस को बच्चे आप बोल सकते हो एल्वियोएट, ठीक है, सॉरी ए एल वी ई ओ एल ए टी, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसके। आप इसको बोल सकते हो बच्चे नेक्टरस, नेक्टरस मधुर, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो स्वीट, स्वीट का बोलेंगे इसको जब सॉन्ग की बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सॉन्ग हमारे पास मेलोडियस होते हैं, सही वर्ड उसके लिए मेलोडियस ही है, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो ल्यूसीशियस, जो मधुर हो, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो हनीड, आप इसको बोल सकते हो बच्चे सिरपी, एस वाई आर यू पी वाई, सिरपी भी बोलते हैं जो चीज मधुर हो, मधुर सुनने में जो मधुर हो, ठीक है। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, इडियम एंड फ्रेसिस का टेस्ट ले लो, ठीक है जी। कुछ बोल रहा है एक बच्चा, प्लीज वेट करना जरा, देखूं क्या कह रहा है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ठीक है। चल फिर आप मुझे बताओ, अब फिर डे फाइव और डे सिक्स वाली बात रहेगी बीच में हमारी, डे फाइव डे सिक्स की कल तैयारी हो जाएगी। विक्रमादित्य गुर्जर क्यों यार ऐसा मत बोलो, तुम ऐसा मत बोलो बच्चे। तो आप इसके एंटोनिम की बात करें तो जो चीज मधुर नहीं है मीठी नहीं है वो बिटर तो होगी होगी, फिर तो वो एसिड भी होगी, फिर तो वो साल्टी होगी, अगर वो मीठी नहीं है मधुर नहीं है तो साल्टी होगी, डिस्कॉर्डेंट होगी, डिस्कॉर्डेंट ठीक है। मीठा नहीं है तो सौर हो गया, सौर स्टिंकी हो गया, अगर वो स्वीट नहीं है तो फिर वो अगली है ठीक है, अगर वो पर्सन स्वीट नहीं है तो फिर वो मीन है, अगर वो पर्सन स्वीट नहीं है तो कैसा हुआ फिर मीन हुआ। क्लियर है सारे बच्चों को? डे फाइव डे सिक्स की पीडीएफ का टेस्ट ऐसे तैयार होते हैं। एक बच्चा कहता है सर इतने याद कैसे करेंगे, अब करोगे आप याद ठीक है। अब ये भी बताओ टेस्ट बिल्कुल सिंपल चाहिए, मिक्स चाहिए या सॉरी मीडियम चाहिए या फिर घुमा देने वाला टेस्ट चाहिए आपको, जैसा टेस्ट आप कहोगे आपके लिए तैयार हो जाएगा ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर डे सेवन भी ऐड कर दो, नहीं हो पाएंगे बच्चे, नहीं हो पाएंगे, 30+30 60 और 60 में मान के चलो 7 7 सबके सिनोनिम एंटोनिम, इतने वर्ड कहाँ तैयार कर लेगा यार, मुश्किल हो जाएगी ठीक है। विक्रमादित्य मैं पक्का पूछूंगा किसी ना किसी से, चलो भाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। नेक्स्ट मेरे पास गिवन वर्ड है क्वेश्चन नंबर 7 में सेडिशन ठीक है। अब ये भी हो चुका है बच्चे, ये रिपीटेड है, आप मुझे बताओगे सेडिशन किसको बोलते हैं और जो बच्चा इसका फर्स्ट आंसर देगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा। सेडिशन क्वेश्चन नंबर 7 आपने टाइप करना है, 7 और फिर आपका आंसर, जल्दी से 7 और फिर आपका आंसर, जल्दी जल्दी प्लीज। हार्ड टेस्ट चाहिए, मीडियम टेस्ट चाहिए, घुमा देने वाला टेस्ट चाहिए ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तैयारी उसकी इसी हिसाब से करके आना। चलो 7 का आंसर डी मेरे पास भेजा है, प्रशांत कुमार ने डी भेजा है, बाकी बच्चों का भी सबसे पहला आंसर प्रशांत कुमार ने डी भेजा है ठीक है जी। बबलू सिंह मैंने अब और अनमोल यादव ने फिर उसके बाद बी भेजा है, फिर बहुत सारे बच्चे हैं, अमरजीत है मेरे पास ठीक है। चलो बॉस फिर तरुण गुप्ता भी है, काफी बच्चे जिन्होंने अब इसका आंसर भेज दिया। तो आप देखो बच्चे सेडिशन का करेक्ट आंसर डी नहीं हो सकता, डी तो होता है आपराधिक साजिश करना, आपराधिक साजिश करना, कॉन्स्पिरेंसी क्या होता है साजिश ठीक है, टेररिज्म क्या होता है आतंकवाद जिससे आपको निपटना इन फ्यूचर, रेबिलियन अगेंस्ट स्टेट होता है राजद्रोह कर देना, आप इसको बोल सकते हो गद्दारी, जो इसका करेक्ट आंसर है बी ठीक है। क्लियर है सारे बच्चों को? सो बी इसका करेक्ट आंसर हुआ, जिस बच्चे ने बी भेजा बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके सेडिशन के और सिनोनिम कौन बताएगा वो मैं बताऊंगा ठीक है। आप इसको ट्रेजन बोल सकते हो, गद्दारी, ट्रेजन, राजद्रोह, ट्रेजन के साथ बच्चे आप इसको म्यूटिनी बोल सकते हो, म्यूटिनी गद्दारी करना, डेफियंस बोल सकते हो, आप इसको रेवोल्यूशन भी बोल सकते हो, हालांकि रेवोल्यूशन जो है वो सही कारणों के लिए होती है लेकिन होता तो राजा का विद्रोही है ना, तो आप इसको अपराइजिंग बोल सकते हो बच्चे, आप इसको रिवोल्ट बोल सकते हो, रिवोल्ट ठीक है, आप इसको इनसबोर्डिनेशन बोल सकते हो, ठीक है जी, आप इसको आसान भाषा में डिसओबीडियंस बोल सकते हो, और आप इसको इंसर्जेंसी बोल सकते हो, नोट करना सारे बच्चे, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब आप लॉयल नहीं हो ठीक है, इंसर्जेंसी। तो एंटोनिम इसके कौन कौन से होंगे बच्चे, सबसे पहले तो होगा सॉरी ओबीडियंस, उसके बाद होगा बच्चे लॉयल्टी, लॉयल्टी के साथ फील्टी याद रख लो, फील्टी, फील्टी के साथ आप फाइडेलिटी याद रख लो, पी आई ई टी वाई पी टी भी बोल सकते हो, पी आई ई टी वाई दोबारा लिख दो इसको ठीक है, हमारा कौन सा चौक लग रहा है, और आप इसको बोल सकते हो बच्चे एलिगेंस, एक लास्ट लिख लो डेवोशन
हुआ क्लियर सारे बच्चों को? जल्दी से बताओ, लाइक की तरफ ध्यान नहीं जा रहा किसी बच्चे का। 367 अभी अपने टारगेट से बहुत दूर हैं। फिर वही बात, आशीष चतुर्वेदी ने फिर पूछा कि सर हम इतने सारे याद कैसे करेंगे? मैं कराऊंगा ना याद, कल डे 5 डे 6 की पीडीएफ आपने लर्न करके आनी है, डे 5 डे 6 की, ठीक है? और उससे आपको पता चल जाएगा मेरे ख्याल से ना। यस, डे 7 का भी टेस्ट ले लो सर। एक बच्चा कह रहा है सर डे 7 भी बीच में ऐड कर दीजिए। चलिए, सिनोनिम की कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? बहुत सारी। और कितनी क्लासेस बाकी है? आई थिंक 4 या 5 क्लासेस और होंगी इसकी। पानी पी लो सर, वैसे बात तो आपने ठीक कही गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देके फिर पानी पीता हूँ। गिवन वर्ड बच्चे कैनेड, हैव फेथ ऑन हिज कैनेड माइंड। तो उसका बच्चे कैनेड माइंड कहने का क्या मतलब है उसका? क्या वो कैनेड का मतलब वो उसको बोल रहा है कंडीशन, क्या वो उसको बोल रहा है नॉलेजेबल, क्या वो उसको बोल रहा है एक्सपीरियंस, या उसको बोल रहा है टैक्टफुल? ठीक है, आप फटाफट से आंसर मुझे इसका बताओ जल्दी से, क्या इसका मतलब होगा कैनेड? आप फिलिंग द ब्लैंक्स से देखोगे तो आपको सारे ही करेक्ट लगेंगे। नहीं, हाँ बबलू सिंह आप याद हो, चलिए बात कर लेते हैं इसकी। हैव फेथ ऑन इज कैनेड माइंड। कैनेड माइंड कैसा होता है बच्चे? नॉलेजेबल। नॉलेजेबल आप इसको बोल सकते हो, एक्सपीरियंस मत कहना, टैक्टफुल मत कहना इसको, ठीक है? कंडीशन की तो कोई यहां पर सेंस ही नहीं बन रही। तो माइंड कैसा उसका? कैनेड माइंड है। कैनेड मतलब नॉलेजेबल। कैसे पता चलेगा? देखो नॉलेज है इसका मतलब वेल इंफॉर्म्ड है वो। नॉलेज है मतलब बच्चे वो वेल इंफॉर्म्ड है। नॉलेज है इसका मतलब वो लर्न्ड पर्सन है, वेल एजुकेटेड है, तभी तो नॉलेज है, ठीक है? वेल एजुकेटेड है तभी तो नॉलेज है। एरुडाइट पर्सन है। एरुडाइट क्या होता है? वैज्ञानिक पर्सन, बुद्धिमान, ठीक है? स्कॉलर बोल सकते हो। एनलाइटेड, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, एनलाइटेड पर्सन। अवेयर बोल सकते हो, कल्टीवेटेड बोल सकते हो, कल्टीवेटेड, ठीक है? कल्टीवेटेड के साथ आप इसको प्रोफिशिएंट बोल सकते हो, प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट, ठीक है? और मैं एक तरफ हो जाता हूँ, एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा साइड हो जाया कीजिए। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर एंटोनिम इसके कौन कौन से हमारे पास बनते हैं। तो एंटोनिम में आप इसको इग्नोरेंट पर्सन बोल सकते हो, इग्नोरेंट, ठीक है? इग्नोरेंट के साथ आप इसको इल इंफॉर्म्ड बोल सकते हो, इल इंफॉर्म्ड। इल इंफॉर्म्ड के साथ आप इसको डल बोल सकते हो, नेग्लेक्टफुल बोल सकते हो, ठीक है? नेग्लेक्टफुल के साथ आप इसको अनअवेयर बोल सकते हो, अनरीजनेबल, अनएजुकेट, अनरीजनेबल, अनएजुकेटेड, ठीक है? तो मैं एक तरफ हो गया, अब इसको नोट करो और फटाफट से मुझे नेक्स्ट का मैसेज टाइप, हाँ नेक्स्ट का मैसेज जरूर टाइप करना जब आप इसको लिख लो। तो दोबारा भेज देना प्लीज़। क्या दोबारा भेजना है? पीडीएफ दोबारा भेज दूँ? भेज दूँगा बच्चे पीडीएफ दोबारा भेज दूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है? डे 5 डे 6 की पीडीएफ भेजनी है, दोबारा भेजनी है, भेज दूँगा बच्चे। एनडीए इस बार क्रैक कर कर ही रहेंगे, प्रनीत राव ने कहा, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टाइप करो, ओपी नेक्स्ट, ठीक है जी? चलिए, कुणाल जोशी थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, भगवान आपका एग्जाम जरूर क्लियर करवाए, थैंक यू सो मच, ठीक है? चल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 9।
और गिवन वर्ड है बच्चे ग्रीगेरियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रीगेरियस, ठीक है। ये ग्रीगेरियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार आप बताओगे कि इसका करेक्ट मीनिंग जो है वो क्या हो सकता है। मैं तो बहुत सारे बताऊंगा ही आपको, आपने भी बताना है, कोशिश करनी है बताने की। ग्रीगेरियस एक बहुत फेमस वर्ड है बच्चे, तो ग्रीगेरियस के ऑप्शंस की बात कर लूं अब तो आप बता ही दोगे। पैसिमिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट है, एफेबल है, इन्फ्लुएंशियल है, ये फोर ऑप्शंस हमारे पास है ग्रीगेरियस के लिए। अब पैसिमिस्ट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो निराशा से भरा हो, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति। लिख दूं क्या? निराशावादी, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे हमेशा। एफेबल होता है मिलनसार, इन्फ्लुएंशियल होता है प्रभावशाली। अब बोल बच्चे आंसर इसका क्या होगा जल्दी से। 397 डे 7 तक की पीडीएफ भेज देना, मैं डे 8 की भी भेज दूंगा बच्चे आपको, ठीक है जी। किस चैनल पर मिलेगी, किस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी? एक तो योद्धा बैच पर मिलेगी आपको। कल के टेस्ट, कल टेस्ट है बच्चे हमारा डे 5 का और डे 6 का, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिलेंगी योद्धा बैच टेलीग्राम बैच पर, टेलीग्राम चैनल पर योद्धा बैच, ठीक है। इसके अलावा आक्रमण में भी भेज दूंगा मैं और टीम अर्पित में भी भेज दूंगा, कहीं ऐसा ना होना कि कुछ बच्चों को मिले कुछ को ना मिले। टीम अर्पित पे भी भेज दूंगा मैं इसको, क्लियर है सारे बच्चों को? चलो 400 लाइक हो चुके हैं। अब ग्रीगेरियस कैसा पर्सन होता है मुझे सारे बच्चों ने बताया, कह रहे सर डी होता है डी, ठीक है। सी बता रहे कुछ बच्चे, कुछ बच्चे डी बता रहे, तो करेक्ट आंसर इसका जान लेते हैं। करेक्ट आंसर, ये सुपर चैट किसने भेज दी बच्चे? पैसा नहीं प्यार चाहिए, फिर भी थैंक यू सो मच सुपर चैट के लिए, फिर भी पैसा नहीं प्यार चाहिए आपका, ठीक है। ग्रीगेरियस होता है मिलनसार, तो ग्रीगेरियस के और सिनोनिम कौन से होते हैं बच्चे? आप ऐसे पर्सन को सोशल बोल सकते हो, सोशल यानी कि सामाजिक व्यक्ति, जो मिलजुल कर रहे सबसे, ठीक है। आप इसको कंपेनियनेबल बोल सकते हो, कंपेनियन होता है ना साथी, ठीक है। आप ऐसे पर्सन को क्लबेबल बोल सकते हो, क्लबेबल जो मिलकर रहे, फ्रेंडली तो हो गई बच्चे। आप इसको बोल सकते हो एमिएबल, एमिएबल व्यक्ति मिलनसार होता है। आप इसको बोल सकते हो कॉन्गेनियल, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हॉस्पिटेबल, और एक लास्ट ले लो कन्वाइवल, कन्वाइवल पर्सन, ठीक है। कन्वाइवल पर्सन ये सब कौन से होते हैं? मिलनसार व्यक्ति होते हैं। तो इसके एंटोनिम क्या होगा? सबसे पहले जो जो अनसोशल हो गया, वो अगर वो दूसरों से मिलना चाहता बच्चे, वो अनसोशल हो गया, वो रिजर्व्ड पर्सन है क्योंकि वो सामाजिक नहीं है, ठीक है। वो अनफ्रेंडली है, अनफ्रेंडली, मैं साइड हो जाऊंगा अभी, ठीक है। अनफ्रेंडली है बच्चे वो, अनफ्रेंडली के साथ वो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, ठीक है। वो अलोन है, वो सॉलिटरी है, सॉलिटरी अपने आप लिखना। और एक बार ये सारे के सारे बच्चे जो है ये वर्ड्स को इंपॉर्टेंट नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। सर ये टॉपिक कब तक चलेगा प्लीज बता दो, और इसके बाद कौन सा टॉपिक होगा? लक्ष्य राज सिंह राव, सबसे पहले तो जो बच्चे चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप डेली योद्धा बैच से पढ़ सके। मैं जरा साइड तो जू, ठीक है, ताकि आप डेली योद्धा बैच से पढ़ सकें। दूसरी बात, लक्ष्य राज ने पूछा कि सर ये टॉपिक और कितने दिन चलेगा? तो बेटा मान के चलो हम डे 9 की पीडीएफ तक पहुंच चुके हैं, और डे 10 और डे 11 आपका सिलेबस पूरा सिनोनिम का। वो बीच में कैसे टेस्ट लेना है वो मैं अपने आप देखता रहूंगा, नए पुराने वर्ड्स का। उसके बाद हम लोग करने वाले टेंस का टॉपिक, टेंस के बाद हम लोग करने वाले आर्टिकल, आर्टिकल के बाद करने वाले प्रेपोजिशन, और इन तीनों पे बेस मेन टॉपिक स्पोर्टिंग एरर हम प्रेपोजिशन के बाद स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना जान लेना ठीक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, चलो टेस्ट कैसे देते हो, और कहा थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि टेस्ट आपके लिए इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लूं। थैंक यू सो मच यार, ये कौन बच्चा है? अमरचंद, थैंक यू सो मच बच्चे आपके इतने सारे लाइक्स देने के लिए। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सारे बच्चों ने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और गिवन वर्ड है मेरे पास क्लिक और या रिपीटेड है। क्लिक हम पहले कर चुके हैं नहीं, पहले तो यस और नो बताओ।
क्लिक हमने पहले किया है या नहीं। ठीक है, अगर मैंने क्लिक किया तो इसका आंसर ही भेजना डायरेक्ट मुझे, क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच अमरचंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और कान्हा त्रिपाठी यार डेली बहुत सारा थैंक यू आपको इतने सारे लाइक देने के लिए, लेकिन फिलहाल बच्चे, ठीक है, फिलहाल हमारे पास 426 लाइक है और 550 का हमारा टारगेट है, कैन वी अचीव। 15 मिनट्स बने तो 10th का मेरे पास बी ऑप्शन भी आ रहा है, 10th का मेरे पास सी ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है जी, 10th का करेक्ट आंसर बता देता हूं बच्चे आपको, ग्रुप होता है वैसे, जरूरी नहीं है फ्रेंड्स का, खाली आंसर इसका क्या है, अ ग्रुप। किसका आंसर है, क्लिक। क्लिक हम किसको बोलते हैं, ग्रुप को क्लिक बोलते हैं। अब आप यहां पर देखो इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं मेरे पास क्लिक के। क्लिक का होता है क्या बच्चे, गैंग बोल सकते हैं इसको, गैंग आप कहते हैं ना, ये मेरा सर्कल है, सर्कल बोल सकते हो इसको आप, इसको सेट बोल सकते हो आप, इसको बैंड बोल सकते हो, मोब बोल सकते हो, फेलोशिप बोल सकते हो, फेलोशिप। ठीक है, फेलोशिप के साथ बच्चे आप इसको क्रू बोल सकते हो, क्रू, क्रू के साथ आप इसको केबल बोल सकते हो, केबल के साथ आप इसको बच्चे कार्टल बोल सकते हो, कार्टल, गिरो, कोटरी बोल सकते हो, इसके साथ आप इसको बोल सकते हो क्राउड, और आप इसको बोल सकते हो बच्चे बंच। बंच भी क्या होता है, टोली। बंच क्या होता है बच्चे, टोली। तो ये सारे इसके हमारे पास हुए सिनोनिम। अब बात करते हैं एंटोनिम की, तो एंटोनिम ही है इसके हमारे पास सिर्फ दो, या तो ग्रुप में नहीं होगा तो अलोन होगा, ग्रुप में नहीं होगा तो इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ग्रुप में नहीं होगा तो सोलिटरी होगा, ग्रुप में नहीं होगा तो आइसोलेटेड होगा, छुट्टे। जल्दी से फटाफट नोट करो। और सर एंटोनिम का अलग से टॉपिक होगा या फिर इसी में कवर करा दिए? तो लक्ष्य राज सिंह आपकी को, आपके इसका एक बार और जवाब देना चाहूंगा। एंटोनिम का क्या देखा मैंने, वैसे कराऊंगा पक्का। एंटोनिम्स का मैंने ये देखा कि जब मैंने उसके पी वाई क्यू उठाए तो लगभग मैक्सिमम वर्ड्स तो हम करे हुए हैं इसके, ठीक है, लेकिन एंटोनिम्स का टॉपिक भी होगा, एंटोनिम्स का टॉपिक भी होगा और इसी तरह से हम इसको करेंगे। क्लियर, लाइक शेयर कर दो एक बार सारे बच्चे। ओपी नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है ये प्यारा बच्चा, अनुराग राजपूत, तरुण गुप्ता, ठीक है, हिमांशु कुमार, शेर सिंह, सैम सौरभ, प्रशांत सहानी, अनुराग खुशवाहा, नरेश काले, अंकित कुमार, अंकित राव, बहुत सारे, नीमा तमंग, बहुत सारे बच्चे जो है इस टाइम पर लाइव है। सभी को मेरे तरफ से दिल से ब्लेसिंग टीम अर्पित की तरफ से कि आप अपना जिंदगी में सपना जरूर पूरा करें ये एनडीए एग्जाम क्रैक करने का। ठीक है, बाकी रास्ता तो फिर उसके बाद ही है ना, पहले तो रिटर्न है। वैंक्विश्ड बाय इंडिया डिप्लोमेटिकली, अब डिप्लोमेटिकली क्या होता है, कूटनीति से, एंड रिब्यूक्ड बाय यूएस पब्लिकली, और पब्लिकली से रिब्यूक होने के बाद पाकिस्तान वॉज इन नो मूड टू रेलेंट, कि अब उसका विद्रोह करने का कोई मन नहीं है। ठीक है, तो वैंक्विश्ड क्या होता है बच्चे, क्या इसका मतलब होता है, धमकाना, डराना, हराना या धोखा देना, ये फोर ऑप्शंस है मेरे पास, देख रहे हो सारे बच्चे, ये फोर ऑप्शंस है मेरे पास। टेस्ट कैसे मिलता है, टेस्ट ऐसे लाइव ही होता है बच्चे हमारा टेस्ट, तो थैंक यू सो मच हर्ष कुमार। अब आप एक चीज ध्यान से सुनना सारे बच्चे, के यार कल टेस्ट ले लेना पक्का, फिर बाद में ना कहना मुझे। चलो चलिए कोई बात नहीं। हाँ, जो बच्चे चैनल पर नए हैं बच्चे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि आप डेली योद्धा बैच की तरफ से जितनी भी क्लासेस लगाई जा रही हैं उसको अटेंड कर सके। डिप्लोमेटिक नहीं, सॉरी, वैंक्विश का मतलब होता है बच्चे हराना, डिफीट करना। ठीक है, तो वैंक्विश्ड का और कौन कौन से हमारे पास सिनोनिम हो सकते हैं, जरा ध्यान से देना। वैंक्विश्ड मतलब पराजित करना,
कॉन्क्योर बोल सकते हो आप इसको, कॉन्क्योर के साथ बच्चे आप इसको ट्राउंस बोल सकते हो, टी आर ओ यू एन सी ई, ट्राउंस बोल सकते हो बच्चे आप इसको, एनीलेट बोल सकते हो, एनीहिलेट, ठीक है, आप इसको ओवरकम बोल सकते हो, काबू पा लिया, आप इसको सबड्यू बोल सकते हो, इनएक्टिव कर दिया, पुट डाउन बोल सकते हो, पुट डाउन, पुट डाउन के साथ बच्चे क्वैश बोल सकते हो, ठीक है, क्वैश के साथ क्रैश बोल सकते हो, क्रैश नहीं क्रश बोल सकते हो, क्रश, क्रश कर दिया, रिप्रेस बोल सकते हो, राउट बोल सकते हो, आर ओ यू टी, राउट बोल सकते हो बच्चे आप इसको, थ्रैश बोल सकते हो, और एक पाउंड भी बोलते हैं किसी को हराना, पाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलें नेक्स्ट पर, इसके एंटोनिम्स कौन कौन से हैं हमारे पास, तो बच्चे ध्यान से देखना, एक वैंक्विश्ड यानी कि पराजित किया, और एक आपने छोड़ दिया, गिव इन कर दिया, या आपने उसको लेट गो कर दिया यानी कि जाने दिया, आपने लूज छोड़ दिया उसको, आपने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया आपने, आपने हार मान ली, ठीक है, यील्ड, झुक गए, फेल, असफल हो गए, ये सारे के सारे इसके एंटोनिम है। मैं एक तरफ हो जाता हूं, एज पर योर डिमांड। क्या 2 जून से आपकी प्लस पर क्लास स्टार्ट होगी? यस, अभी तक तो है ऐसा। मैं आप, लेफ्टिनेंट साहिल कह रहे हैं कि सर मैं आपकी क्लासेस लाइव नहीं देख पाता। लेफ्टिनेंट साहिल आज तो आप लाइव हो बच्चे, आप लाइव हो, लव फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु वाले ठीक हैं भाई, ठीक है, हाँ। आक्रमण बैच टेलीग्राम चैनल का नाम है, टीम अर्पित टेलीग्राम चैनल का नाम है, योद्धा बैच वैसे आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। टेस्ट कलरफुल चाहिए, दिया, और डिमांड बता दे, टेस्ट कलरफुल चाहिए, टेस्ट आपको मैंने कलरफुल दिया, और बोलो कल का टेस्ट इस बोरिंग स्क्रीन पर नहीं होगा, और बताओ कल का टेस्ट इस बोरिंग स्क्रीन पे नहीं होगा, और बताओ कल का टेस्ट कलरफुल स्क्रीन पर होगा, जल्दी। प्रीतम थैंक यू सो मच बच्चे, पर कहीं ये मेरी वाइफ ना पढ़ ले, ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। चल तो बात करें इसकी अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन पर आया नहीं मैं, कितनी बातें करते हो आप लोग। एसिडियस गिवन वर्ड है बच्चे, एन एसिडियस स्टूडेंट, तो कैसा है, क्या वो स्लो है, स्टूपिड है, केयरलेस है, या हार्ड वर्किंग है? अगर वो एसिडियस है तो वो किस तरह का स्टूडेंट है, आपने जल्दी से बताना है मुझे, ठीक है। हर डिमांड पूरी, हर डिमांड पूरी, कल आपको कलरफुल बढ़िया तरीके की एक वो क्लास ली जाएगी, ठीक है, चलिए। यस, टेस्ट टफ हो जाएगा, और सेवा बताओ, चलिए थैंक यू सो मच। अब इसका आंसर भी बता दो मुझे, एसिडियस स्टूडेंट वो कैसा है, वो स्लो है, स्टूपिड है, केयरलेस है, हार्ड वर्किंग है? जल्दी से आंसर यार, जल्दी से आंसर भाई। कल के टेस्ट में 400 प्लस बच्चा लाइव चाहिए, ठीक है, आप कैसे उसको मैनेज करते हो वो आपने देखना है, लेकिन कल के टेस्ट में 400 बच्चा लाइव चाहिए, और एक प्रॉमिस करना होगा कि सर टेस्ट मेरा अच्छा जाए या बेकार जाए मैं क्लास छोड़ के भागूंगा नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो फिर मैं, फिर टेस्ट आगे से आपके हो जाएंगे कैंसल। 2 दिन की PDF है, पढ़ के आनी है, Day 5 Day 6 की, इतनी सी बात है बस, ठीक है जी। चल, टेस्ट कलरफुल मिलेगा कल, टेस्ट आपको कलरफुल मिलेगा। सो एसिडियस स्टूडेंट कैसा होता है बच्चे? हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग के सिनोनिम वैसे तो लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मुझसे आ जाते हैं। डिलीजेंट कह सकते हो बच्चे, इंडस्ट्रियस बोल सकते हो, ठीक है जी, इंडस्ट्रियस के साथ बच्चे आप इसको बोल सकते हो, केयरफुल भी बोल सकते हो, पेन्स टेकिंग बोल सकते हो, सेड्यूलस बोल सकते हो, सारे लिखवाए हैं आपको ये, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो अटेंटिव, पंचीलियस बोल सकते हो, पंचीलियस, नोट करना, जिसने नहीं नोट करे हैं वो तो पक्का करना है इसको, ठीक है, पंचीलियस बोल सकते हो इसको। नेक्स्ट है हमारे पास, PDF भेज देना
यार पहले पीडीएफ ही भेज दूं मैं, आप एक सेकंड देना जरा मुझे, ठीक है? डे 5 और डे 6 की पीडीएफ भेजनी है मुझे आपको। बहुत शरारते करते हो, दो मिनट रुक जाओ। ठीक है, लाइव ही रहना यार, क्लास छोड़ के मत जाना। पता क्या, वो बच्चा ठीक कह रहा है, उसे पता है कि सर बहुत आलसी हैं, अगर भूल गए ना तो फिर वो भूल ही जाना उन्होंने। तो सिनोनिम सबसे पहले पकड़ो जी, डे 6 की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल तीनों पे। यस, टीम अर्पित, आक्रमण बैच, योद्धा बैच, ये गई पीडीएफ। ठीक है, लाइव रहना भाई सारे बच्चे, रिक्वेस्ट है मेरी, जाना नहीं है। और एक बार लाइक कर दो सारे बच्चे क्लास को। अब हम चलते हैं डे 6 की पीडीएफ पे, सॉरी डे 5 की। और ये भी मैंने कर दी शेयर भाई। क्वेश्चन ये वाले नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन चेंज मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन चेंज मिलेंगे। सर कितने दिन हो गए क्लास? पहले तो नवनीत वर्मा बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। मैं इसके काफ़ी दिन हो गए बच्चे योद्धा बैच को चलते को। सो एंटनिम हमारे पास होता है किसका, एसिडियस, मेहनती। मेहनती मतलब आप इसको इनडिफरेंट पर्सन बोल सकते हो, इनडिफरेंट पक्का है ये, लेजी बोल सकते हो, स्लगिश बोल सकते हो। स्लगिश हो गया तो वो स्लो हो गया, स्लो हो गया तो वो लेदार्जिक हो गया, लेदार्जिक यानी कि वो सुस्ती हो गया। ठीक है, कैसा पर्सन है, नेग्लेक्टफुल हो गया, बहुत है। करो सारे बच्चे नोट करो इसको, 500 हो गए हैं। यस डेफिनेटली, आई एम स्पीडिंग अप बच्चे। ठीक है, 500 प्लस लाइक हो चुके हैं बच्चे। अब तो 550 का टारगेट देखते हैं पूरा होता है नहीं होता हमारा। 550 का टारगेट देखना है पूरा होता है कि नहीं होता। जिसने जिसने लाइक छुपाए हैं फटाफट से लाइक कर दो। बोन होमी गिवन वर्ड है बच्चे, बोन होमी। 4 ऑप्शन है मेरे पास, फ्रेंडलीनेस, एनवी, रैथ और ग्रीड। ठीक है, तो बोन होमी हम किसको बोलते हैं बच्चे? बोन होमी के लिए मेरे पास करेक्ट जो आंसर है वो है इसका फ्रेंडलीनेस। थोड़ा स्पीड अप करके चल रहा हूं अब, फ्रेंडलीनेस, बोन होमी। सो अगर ये फ्रेंडलीनेस है तो इसके सिनोनिम कौन कौन से होंगे बोन होमी के? आप इसको एग्रीएबिलिटी बोल सकते हो, अमेनिटी बोल सकते हो, अमेनिटी। ठीक है, एमिएबलनेस बोल सकते हो आप इसको, और कौन सा लिखवाऊं, फ्रेंडलीनेस तो हो गया ना, यस फ्रेंडलीनेस हो गया। सोशल बोल सकते हो, सोशल के साथ आप इसको प्लेजेंट बोल सकते हो, प्लेजेंट। मैं सोच के जरूर लिख रहा हूं पर ये पक्का है। एंटनिम की बात करते हैं, ठीक है, अगर वो बोन होमी नहीं है तो फिर वो कैसा है, डिसफेवर है, डिसफेवर है, फिर वो एनिमोस्टी है। ठीक है, एंटीपैथी है, रैंकर और नफरत रखना मन में, मेलाइस, हेट्रेड, ये सारे क्या हो गए इसके, एंटनिम हो गए। अब सबका ध्यान कहां गया, सबका ध्यान कहां गया बच्चे? वीक में एक दिन हॉलीडे रखिए प्लीज। सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? तुषार साहू क्या पूछ रहे हो बेटा? तुषार साहू, अब मेरी नज़र आपके कमेंट पे गई, क्या पूछा है तुषार साहू ने, फटाफट से आंसर। तुषार साहू क्या पूछ रहे हो बच्चे? और बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है, बाकी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करो और अपने आज के टारगेट से जो कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा। चलो कोई नहीं, कैलो हम किसको बोलते हैं, कैलो, CALLOW, कैलो हम किसको बोलते हैं, फटाफट से आंसर। ठीक है, अरे इतने सारे आपने बोल दिया, रिप्लाई क्यों नहीं करते, इसकी जगह क्वेश्चन ही टाइप करते बच्चे। अच्छा तुषार साहू, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दो, आफ्टर दिस वीडियो में आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो कैलो होता है बच्चे मेरे पास रॉ यानी कि कच्चा, इमैच्योर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इमैच्योर बोलते हैं इसको, इमैच्योर के साथ इनएक्सपीरियंस्ड,
ऐसे पर्सन को आप नेव बोल सकते हो, नोवाइस बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको ग्रीन बोल सकते हो। किसी पर्सन को ग्रीन बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, वो कैलो है, कैलो मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अनसीजन्ड बोल सकते हो, ठीक है। और इसका अपोजिट तो आप कर ही सकते हो, मैच्योर हो गया, एक्सपीरियंस तो हो ही जाएगा, सोफी, एक मिनट, सोफिस्टिकेटेड बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो इनिशिएटेड, स्किलफुल पर्सन, एक्सपर्ट, अडेप्ट, एड्रॉइट, ठीक है बच्चों। तो कल के टेस्ट के लिए तैयार हो गया ना, कल के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।